परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उत्तर चले फड़क न दौड़ के भागे होंगे कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे ना, कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डाल कर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे हमारे विकार समाप्त नहीं होते, कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और लड़की ब्याह की, कि लड़का ब्याह का, यानी विवाह तो करना ही है लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी हैं वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं, जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं, खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामा बाजी फलौन दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की? एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है, फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे, अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं दहेज लेते हैं और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बन कर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके, बता क्यों शर्म दर्द करे। तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं, अब विष पड़ा हो कहीं पर एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धोकाओगे और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं, कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उड़ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे।